हेलो एवरीवन अ वेरी मॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडे इज ट्यूसडे आई एम दृष्टि राइट आज हम डिस्कस करेंगे आपके इन द पास्ट कपल ऑफ वीक जो इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं वो देर आर कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली जस्ट इन योर जी पेपर थ्री बट ऑल्सो दे प्रोवाइड यू अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हाउ देयर हैज़ बिन अ कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द इंडियन इकॉनमी राइट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन बैंकिंग देर इज योजना अटल पेंशन योजना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल्सो मैं आपको दूंगी एक सीज द मेन्स का क्वेश्चन विच जिसका आंसर आप लिख के विच यू कैन पोस्ट ऑन इट ऑन आर वेबसाइट एंड फ्रॉम देयर इट विल बी एवेलुएटेड बाई आर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस उससे पहले uh, एक बार इंडेक्स देख लेते हैं क्या है सो लेट्स द इंडेक्स पहला टॉपिक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाउ आर बी आई इज़ गोइंग टू कॉल इट्स मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एंड वहाँ से दे विल बी गिविंग एन आंसर वाई पिछले तीन कॉन्जिकटिव क्वार्टर्स में जो इन्फ्लेशन टारगेट है प्लस माइनस टू परसेंट का राइट right? अच्छा आई होप यू गाइज हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक प्लस माइनस टू परसेंट का जो कॉन्सेप्ट है इन इकोनॉमी नहीं करा है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल यहाँ पे राइट इन्फ्लेशन टारगेटिंग आर की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज गोइंग टू एक्सप्लेन वो पिछले तीन कंजर्गेटिव क्वार्टर्स में वाई देर इज देर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ इट देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजिटल करेंसी यू यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है अकॉर्डिंग टू दिस अराउंड सेवन ऑफ

दिए हैं क्या रिकमेंडेशन थी क्या उसको फॉलो करा गया आर आर द द प्रोज कॉन्स हम वो सब डिस्कस करेंगे ठीक है बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड योर टूडेज क्वेश्चन फॉर सी इज इज द रिलेटेड टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ क्या है उसके बाद कपल ऑफ टॉपिक्स कपल ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस उसके बाद आप अपना आंसर फॉर्म करिए यू कैन पोस्ट इट ऑन आर वेबसाइट वेबसाइट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से इट विल बी एंड आप देख सकते हैं वेयर यू आर लैकिंग राइट नाउ इन योर आंसर राइटिंग राइट लेट्स गेट स्टार्टेड जो आपका सीज द का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म ऑफ आरबीआई एंड डिस्कस द प्रॉब एसोसिएटेड विद दिस मेथड ऑफ एडजस्टिंग द मॉनिटरी पॉलिसी ये आंसर आपको देना है इन वन वर्ड्स राइट नाउ से रिलेटेड कहा से न्यूज आई वाई दिसबन एंड हाउस करते हैं ना आर बी आई बुलाएगी एक स्पेशल मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग एम पी सी मीटिंग एंड देव टू एक्सप्लेन वाई जो आपका एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन है इनफ्लेशन का मीनिंग क्या हुआ महंगाई लेमेंट टर्म्स में आप देखो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई तो वाई द एवरेज रिटेल रिटेल का मतलब क्या है जो आपका नॉर्मल मार्केट इन्फ्लेशन है वो दैट हैज द अपर टोलर लिमिट जो अपर कैपिंग आरबीआई ने रख रखी है उसको ब्रीच कर गया है फॉर द पास्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स आपका एक प्रॉपर ग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको कहां से ये लिमिट ब्रीच करी थी जुलाई में इसका क्या स्टेटस रहा है बट दिस हैज बिन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर आरबीआई एंड एज पर द रूलिंग्स आरबीआई इज आंसरेबल टू पब्लिक तो इसका पूरा क्या है वो देखते हैं, राइट नाउ वॉट इज इज रेपो रेट सो बेसिकली रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? रीपरचेज रेट भी बोलते हैं रीपरचेज रेट इज द रेट एट विच आरबीआई टू बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड जब बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है वो आरबीआई से लेते हैं पैसे उधार फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेकिन आर बी आई उसपे इंटरेस्ट लगाता है इस पूरे प्रोसेस में इज अ टर्म कॉल्ड रेपो रेट सिमिलरली इससे ऑपोजिट जो होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट ठीक है आपका बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमी का आई होप यू गाइज नाउ हाउ दिस इज डन दिस इज डन बाई आर बी आई बाई बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक एट फिक्सड प्राइसेस लेकिन इसका अग्रीमेंट होता है कि दे विल सेल दम बैक एट फिक्सड रेट इफ आर बी आई ये चाहता है कि हम आ, जो आपका बैंक्स हैं इनके लिए टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव ठीक है टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव टू बोरो मनी तो रेपो रेट इंक्रीज कर देते हैं एंड देर इज अ वाइस अवर्स अ इनमिनल नाउ Your repo rate impacts all other lending rates. अगर आपका रेपो रेट बढ़ जाता है इट इम्पैक्ट यूर होम लोन एजुकेशन लोन एवरी थिंग बिकॉज अगर बैंक को इंटरेस्ट महंगे रेट पर मिल रहा है तो बैंक आपको इंटरेस्ट महंगे रेट पर देगा क्यों बिकॉज इवन बैंक का क्या मैकेनिज्म है कुछ प्रॉफिट तो बैंक भी कमाएगा सो so, समझ रहे इट इज रिएक्शन। आरबीआई आगे आपको उधार दे रहा है बैंक्स को महंगे रेट पे आपके जो रेट्स हैं वो अगेन महंगे बन जाएंगे ठीक है सिमिलरली अगर आरबीआई वॉन्ट्स टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनमी तो आरबीआई रेपो, रेपो रेट आपका रिड्यूस कर देता है बैंक के सिमिलरली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो गिर जाते हैं ठीक है पीपल दे प्रेफर बाइंग प्रेफर गेटिंग मोर लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड सिमिलरली आपकी इकोनॉमी अकॉर्डिंगली रेगुलेट होती है ठीक है दिस इज द बेसिक कंसेप्ट आई होप आपने इकोनॉमी की क्लास में पढ़ा होगा सो नाउ दिस इज आउट ऑफ द वे आगे बढ़ते हैं नाउ अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करो तो दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आर बी आई अंडर द सेक्शन फोर्टी फाइव जी बी फोर्टी फाइव जी बी के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था अंडर द आर बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर ठीक है द कमेटी इज चेयर गवर्नर ऑफ आर बी आई आई होप आप लोगों को पता होगा हु इज द गवर्नर ऑफ आर बी आई ठीक है प्लीज मैं इट इन कॉमेंट नाउ बेसिक अगर आप मिशन देखो वट इज द मिशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी द मिशन इज फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट विच इज योर रेपो रेट टू रिस्ट्रेन इन्फ्लेशन पर्टिकुलर टारगेट लेवल है आपका टू टू सिक्स परसेंट का ठीक है तो ये सिक्स परसेंट जो आता है फोर प्लस टू माइनस टू ठीक है 4 2, 2, इस रेंज में रखते हैं नाउ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है इट कंडक्ट एट एटलीस्ट फोर टाइम्स क्वार्टर में हर क्वार्टर में आपकी एक मीटिंग होती है नाउ अगर आप बैकग्राउंड देखो आरबीआई एक्ट का ऑफ 1934 तो दिस वाज अमेंडेड इन 2016 गिवन इफेक्ट गिविंग इफेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ये वाला जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है इसके लिए आरबीआई एक्ट वाज अमेंडेड 1934 थर्टी फोर वॉज अमेंडेड इन 2016 नाउ ये जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है दिस रिक्वायर्स द आरबीआई टू सबमिट अ रिपोर्ट टू यूनियन गवर्नमेंट ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे अगर इन्फ्लेशन टारगेट आपका ब्रीच में होगा फॉर थ्री कंजेकेटिव क्वार्टर्स ठीक है दीज आर द जो आपके अमेंडमेंट ऑफ आर बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर के अकॉर्डिंग है ठीक है अगर आप ये देखो नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस का एक ग्राफ है नाउ मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ सिंपल सा कैसे ये फंक्शन करता है ये आपको छोटे छोटे बार्स दिख रहे हैं दिस जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मे जून एंड जुलाई ठीक है अब ग्राफ देखो जनवरी में द इन्फ्लेशन रेट वॉज सिक्स पॉइंट जीरो वन नाउ पी के कब करा जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल अप्रैल में इट पीक टू सेवन पॉइंट सेवन नाइन एंड करंटली जुलाई में इट वॉज द लोएस्ट ऑफ 6.71। लेकिन अगर आप देखो तो इट हैज़ ब्रीज द रेट रेट जो

उर्जित पटेल रिपोर्ट ऑफ 2014 ऑन इन्फ्लेशन एंड जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसके ऊपर एक फॉर्मल रिव्यू होगा ठीक है प्राइमरी गोल अगर आप देखो आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग का इट वॉज टू कंटेन इन्फ्लेशन अराउंड एट फोर विद इन द अलाउबल रेंज ऑफ टू टू सिक्स परसेंट ठीक है तो स्टैंडर्ड जो आइडियल इन्फ्लेशन हम मानते हैं दैट शुड बी फोर परसेंट प्लस टू परसेंट हो सकती है ये या माइनस टू परसेंट हो सकती है ठीक है तो ये हम चाहते हैं सिक्स से ऊपर ना जाए और फोर से नीचे ना जाए आई होप इतना क्लियर है आपको नाउ अगर मॉनिटरी पॉलिसी की बात करो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ब्रॉडली टू टाइप ऑफ मॉनिटरी पॉलिसीज विच आरबीआई फॉलोज वन इज लूज मनी पॉलिसी द सेकेंड वन इज टाइट मनी पॉलिसी नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है ठीक है तो आरबीआई लेके आती है लूज मनी पॉलिसी वट योर कंज्यूमर सिमिलरली बाय मोर जैसे मैंने आपको बताया लेंडिंग uh, रेट्स अपने बैंक कम कर लेगा ठीक है बोरोइंग इट विल बिकम ईजी इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो लोग ज्यादा बैंक से उधार लेंगे मनी रेगुलेट होगा मार्केट में कंज्यूमर्स दिल बाय मोर स्टफ फ्रॉम द मार्केट बिज़नेसेस सिमिलरली एक्सपांड करेंगे जब डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा बिज़नेसेस एक्सपांड होंगे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मैन फोर्स लगेगी ठीक है ज़्यादा मैन पार लगेगी सो uh, एम्प्लॉयमेंट so मिलेगी एंड पीपल विल स्पेंड मोर एंड आपकी इकोनमी रिवाइव हो जाएगी ना सिमिलरली ये तो हो गई आपकी एक टाइप की मनी पॉलिसी अगर हम दूसरी टाइप की मनी पॉलिसी की आपकी बात करें दिस इज टाइट मनी पॉलिसी यहाँ पे क्या होता है रिसेशन के टाइम पे एप्लीकेबल होती है क्या करा जाता है बोरोइंग को डिफ़िकल्ट बना दिया बना दिया जाता है कैसे आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको हाइक है कर दिया जाता है बिकॉज अगर रेपो रेट बढ़ गया तो आपका जो लैंडिंग रेट्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे नाउ सिमिलरली वैपन्स एस कंज्यूमर अकॉर्डिंगलीस्ट ऑफ देन बिजनेस बिजनेसिस पोस्टपोन देयर एक्सपेंशन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है दे आर आर कंटिन्यूअस ले ऑफ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली इज रिड्यूस्ड अ लॉट ठीक है दिस आई होप है बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आप डिटेल देखते हैं हाउ इन्फ्लेशन इज एक्चुअली कॉज्ड सी मॉनेटरी पॉलिसी इज द मेजर फैक्टर विच इम्पैक्ट योर इन्फ्लेशन कैसे एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी आती है तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी आएगी लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे बिजनेसिस एक्सपांड करेंगे ठीक है परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीज़ों की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी ठीक है नाउ अल्टीमेटली क्या होता है इट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ योर करेंसी ठीक है सेकेंड रीजन मेजर रीजन इन्फ्लेशन इज योर फिजिकल पॉलिसी योर हायर बोरो मार्केट से पैसा लिया है इंटरनेशनल बैंक जो है उनसे पैसा लिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका है अदर कंट्रीज ने आपके अंदर आके इन्वेस्ट करा है सो हायर बोरोइंगस जिसका मतलब हम डेट लेके चलते हैं दिस रिजल्ट इन इंक्रीज टैक्सेस एन एडिशनल करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी आर को अल्टीमेटली ये जो रीपेमेंट है डेट की इसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल इकोनमी है वो स्लम्प कर जाती है नाउ देर इज अ डिमांड फॉल इन्फ्लेशन वॉट हैपन्स इज दिस इंक्रीज इन प्राइज ड्यू टू गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ये एक आपका बहुत ज़्यादा डिमांड फुल इन्फ्लेशन बना देता है जो एक विशेष ट्रैप है जहाँ से निकलना इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट नेक्स्ट पॉइंट वाई इन्फ्लेशन इज कॉज दिस कॉस्टफुल इन्फ्लेशन हायर प्राइसेस ऑफ गुड्स ठीक है एंड सर्विसेज विच इज ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन गोस रॉकेट हाई स्काई हाई अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट्स की बात करें ठीक है फॉरन मार्केट जो एक्सचेंज बास्केट है आपकी उसमें मेन फाइव करेंसीज है ना एक्सपोजर टू फॉरन मार्केट्स इज बेस्ड ऑन डॉलर वैल्यू चीफली अगर आप देखो वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ डॉलर ऑल्डो देर आर अदर करंसीज इन आर एक्सचेंज बास्केट बट मेजर वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ डॉलर नो फ्लक्शंस इन एक्सचेंज रेट जो होती है दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन सिमिलरली अगर हम डिमांड सप्लाई गैप की बात करें तो हाई डिमांड एंड लो प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज इट क्रिएट्स अ डिमांड सप्लाई गैप अल्टीमेटली विच लीड्स इन द हाइक ऑफ द प्राइसेस ठीक है सो दीज आर द रीजन हाउ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट अब इन्फ्लेशन बढ़ गई इफेक्ट्स ऑफ राइज इन इन्फ्लेशन रेट की वजह से क्या क्या इंपैक्ट आते हैं इन्फ्लेशन दिस माइट दिस कुड लीड टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है दिस कुड लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एज दिस कैन बी सीन एज द साइन ऑफ राइजिंग डिमांड नाउ इन्फ्लेशन कुड ऑल्सो फर्दर लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट क्योंकि वर्कर्स की डिमांड जो है ये इंक्रीज हो जाएगी वर्कर्स विल डिमांड फॉर इंक्रीज वेजेस. सिमिलरली अगर आप देखो तो डोमिनो इफेक्ट चलेगा एंड सारे प्राइसेस इंक्रीज होते होते दिस इज गोइंग टू कॉज इन्फ्लेशन इन द मार्केट नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है दीज माइट बिकम लेस कंपेटिटिव इफ जो आपका इन्फ्लेशन है विद इन द कंट्री इज हायर इट कैन वीकन द करेंसी ऑफ द कंट्री एंड अल्टीमेटली ग्रीस में क्या रहा है वी वी ऑल हैव सीन इट देयर आर अ कपल ऑफ कंट्रीज हु व्हिच आर गोइंग थ्रू रियली टेरिबल टाइम्स फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ इयर्स ग्रीस हैज बीन फेसिंग इन्फ्लेशनरी जो इश्यूज हैं मे बी रीजनस उनके डिफरेंट थे सोशलिस्टिक स्पेंडिंग थी वेनेजुएला में एल देर हैव बिन डिफरेंट रीजन बट रीसेंट एग्जाम्पल अगर आप देखो श्रीलंका सो so, इन्फ्लेशन की वजह से इकोनमी कितनी खराब हो चुकी है ड पाकिस्तान की तो खैर चलो बात ही क्या करेंट रियली काउंट बट श्रीलंका जो अभी आपको दिखाता है हाउ मच कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री ठीक है नाउ लेट्स गेट अहेड प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो चेंजिंग द मोनिटरी पॉलिसी यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटरेस्ट रेट्स

prices now introducing policies to increase the efficiency and competitiveness of the economy this helps in reducing the long-term costs now if we invest in long-term investments when for example when it comes to long-term investments spending money now for investments can allow key inflation hogi jab future may tab you can attain the benefits of it ठीक है तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं आपके आई होप इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो पूरा कंसेप्ट है आपको क्लियर है व्हाट आर द प्रोज वॉट आर द कॉन्स आरबीआई

बहुत अच्छी लाइन्स वहां पे दी हुई हैं यू कैन इन योर आंसर्स एंड आप सीज द का जो आपका क्वेश्चन है यू कैन फ्रेम द आंसर फॉर दैट राइट नाउ आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे सेकेंड टॉपिक क्या है आपका वाई दिस वॉज अ न्यूज सो यूएन की जो बॉडी है बॉडी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक है इन्होंने रिपोर्ट दी है रिसेंटली And they say 7.3% of India's population owns digital currency. Digital currency is still not 100% legal in India. So, this is somewhere thoda sa in a grey area. Now, considering other countries, Ukraine has topped the list. Jiska शेयर है 12.7 परसेंट यूक्रेन कंसिडरिंग रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ है उसमें रेपोकॉशंस कितने आए हैं एंड दिस माइट हैव टर्न इनटू अ पैरल इकोनॉमी। के जो पूरा वहाँ का माहौल था दिस माइट हैव कम आउट टू बी अ नॉन ट्रेसेबल एसेट फॉर पीपल सो दिस माइट बी अ चीफ रीजन इतना यूक्रेन हैज स्टॉप द लिस्ट नाउ अगेन सेकेंड कंटेंडर वॉज रशिया एट इलेवन देन वेनेजुला वेनेजुला का वी ऑल नो की इन्फ्लेशन की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं सो अगेन पीपल हैव स्टार्ट मूविंग टू डिजिटल करेंसी देन सिंगापोर की बात होती है नाइन पॉइंट फोर परसेंट सिंगापोर वी ऑल नो इट्स अ टैक्स हेवन देर कुड बी सी देर आर एन नंबर ऑफ रीजन वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन डिजिटल करेंसी डिफ रीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं बट द पॉइंट इज द होल पॉइंट इज दिस इज कमिंग आउट टू बी अ न्यू पैरल इकोनमी ठीक है न्यू पैरल इकोनॉमी बन के ये आ रहा है एंड दिस इज अ टोटली इंटरनेशनली अनरेगुलेटेड स्ट्रीम अनरेगुलेटेड मार्केट एंड यहाँ पे रेपोकॉशंस आ सकते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कंसर्न रहना पड़ेगा नाउ केनिया की बात करें तो 8.5 परसेंट है एंड यूएस की बात करें तो 8.3 परसेंट है ये वाली चीजें ये वाले जो चेंजेस हैं ये देखे जा रहे हैं नाउ आगे बढ़ते हैं What is digital currency? Now, any means of payment which is purely in a form of. प्योरली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ठीक है डिजिटल करेंसी की बात करो मोस्ट पॉपुलर डिजिटल करेंसी जो अभी निकल के आई जिसका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था सताशी यामा मोटो वाला आई होप यू गाइज रिमेंबर नहीं है तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे यू कैन फाइंड द क्वेश्चन ना डिजिटल करेंसी की बात करें सो एनी मीन्स ऑफ पेमेंट दैट ऑज प्योरली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ठीक है जो ट्रांसफर्स हैं ये बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम से होते हैं ठीक है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आपकी नेट बैंकिंग होती है ठीक है करंसी itself is इज अ डिजिटल करंसी ऑल one नाउ वन वेल जो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी में बात करें तो इट इज बिटकॉइन एंड इट हैज बिन न्यूज़ फॉर अ वाइल नाउ नाउ बिटकॉइंस बेसिकली वर्क कैसे करते हैं आपने बिटकॉइन में पढ़ा होगा एक बार क्विक रिविजन करा देती हूँ ठीक है पी इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा प्लीज डोंट वरी अबाउट इट पी में आपको ढंग से देखने को मिल जाएगा नाउ माइनस दे क्रिएट बिटकॉइंस ठीक है दे यूज कंप्यूटर्स मैथामेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व यह करते हैं ठीक है नाओ बिटकॉइन जो है दिस कम्स अंडर वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर नेटवर्क ठीक है पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंडर आता है ये नाओ बिटकॉइन एक्सचेंजेस जो है, दिज ऑल्सो हैपन बिटवीन जो आपके कन्वेंशनल पैसा है कन्वेंशनल करेंसी है उसमें आप डॉलर्स दे के बिटकॉइन खरीद सकते हो दिस हैज कम आउट टू बी वन ऑफ द चीफ ट्रेड दैट हैव बिन हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑल ओवर ठीक है नाउ बिजनेस वॉट दे डू इज दे सिमिलरली क्रिएट अ वॉलेट जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल यूज पेटीएम वॉलेट ऐसे एक बिटकॉइन वॉलेट आपका क्रिएट हो जाता है एंड दिस इज रिलेटेड टू योर डिजिटल आईपी एड्रेस ठीक है नाउ ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन माइन कोई भी कर सकता है ना इक्वेशंस उनके लिए स्पेशल सिस्टम्स लगते हैं जिनका प्रोसेसिंग बहुत स्लो होनी बहुत फास्ट होनी चाहिए एंड इट इज अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है उसके लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का इंटरनेट का ही खर्चा इतना आ जाएगा एक बिटकॉइन का कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट सो पीपल हु डू बटकॉइन माइनिंग ठीक है उनके लिए उसका इक्विपमेंट ही पूरा अलग होता है ऐसा मत सोचना कि कल को मैं बिटकॉइन माइन करना शुरू कर देता हूँ क्या रखा है सरकारी एग्जाम तो होते रहेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं Now, users, they, they is, like जैसे ही एक यूजर्सिस्टर होती चली जाती है ठीक है मैंने और डिटेल में प्रोवाइड करा है हाउ इट टोटली वर्क दिस इज रेलिवेंट टू आपका डिजिटल करेंसी टॉपिक बट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइडेड इट इन पीडीएफ बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है प्लीज गो थ्रू इट एंड एक बार समझ लेना हाउ द इंटायर थिंग फंक्शन लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स आर देयर प्लीज डू रिमेंबर यू डू नॉट हैव टू डू इन द सब्जेक्ट यू जस्ट हैव टू राइट अ गुड आंसर बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतना ही रिक्वायर्ड है बाकी इफ यू लाइक टू नो मोर अबाउट इट देर आर एन नंबर ऑफ विडियोज अवेलेबल ऑन द YouTube बाई द एक्सपर्ट आप वो देख सकते हैं ठीक है नाउ वॉट आर द इशूज दैट आर एसोसिएटेड विद डिजिटल करेंसी वो देखते हैं कंसिडरिंग इंडिया में डिजिटल करेंसी इज़ नॉट इलीगल येट ठीक है सो इफ डिजिटल करेंसी कम्स इन टू प्ले पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन देयर कोर करेंसी इंडिया की कोर करेंसी है रूपी अगर सडनली क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज हो जाए एंड पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन ऑल टुगेदर क्रिप्टो ऑल टुगेदर तो पीपल विल लूज कॉन्फिडेंस इन रूपी ठीक है इंडिया की बात है तो रूपी कर रहे हैं देन देयर इज डॉलर ठीक है वट एवर वट एवर करेंसी है तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी देयर अगेन इंडिया की साइबर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कंसिडरिंग इंडिया की क्या बात करें हरमिट हैज शोन इवन आईओस का जो नेटवर्क है इट हैज बिन ब्रीच्ड सो देर आर ब्रीचेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिकॉज एवरी थिंग इज इंटरनेट लिंक्ड ठीक है तो आपके पास जो कैश इन हैंड वाली सिक्योरिटी है दैट डज नॉट कम नाउ देर इज लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम ठीक है मैं अपने मन से अपना ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ नो वन एल्स इज कीपिंग अ वॉच ऑन इट वो नहीं है मेरा बैंक अकाउंट है डिटेल्स आर जस्ट विद मी ऐसा नहीं है इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड नाउ देयर कैन बी मिस्टेक एंड ट्रांजेक्शन एंड उसका रेक्टिफिकेशन नहीं है ठीक है समटाइम्स वट है बैंक में कोई मिस्टेक एंड ट्रांजेक्शन है कोई मिस ट्रांजेक्शन हो जाती है यू कैन एक्चुअली रिपोर्ट इट बहुत बार रिफंड भी आ जाते हैं आपके बट बिटकॉइन के केस में बिकॉज एवरी वन इज अनोन सिर्फ आपको एक डिजिटल एड्रेस असाइन हो जाता है तो वो चीज़ें रेक्टिफाई नहीं हो सकती एंड बिटकॉइन बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस छोटी मोटी नहीं होती हैं वन बिटकॉइन एक्चुअली कॉस्ट लॉट ऑफ डॉलर्स एज वेल नॉट इवन रुपीस तो दिस हैज़ टू बी टेकन इन कंसिड्रेशन रेगुलेटरी रिस्क है कई डिजिटल करेंसी जो करेंसीज हैं जो इंडिया में वैलिड नहीं है ठीक है इंडिया में लीगल नहीं है बट दे आर लीगल इन अदर कंट्रीज सो यहाँ पे Uh, जो आपका ब्लैक मार्केट है ठीक है टैक्स सेविंगस है वैसे ये एक्ट कर सकता है पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी इलीगली इन अदर जो आपके रिजॉर्ट होते हैं उसमें ठीक है प्राइस वॉलेटिलिटी इन्फ्लेशन राइज कर सकता है सिमिलरली देर इज लॉस ऑफ प्रिवेसी अगर आप देखो ऑल टूगेदर ठीक है ये एक मेजर कॉज आया आपका निकल के सेंट्रलाइजेशन ऑफ गुड्स मार्केट कॉज करेगा ये ठीक है नाउ कंसोलिडेशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ये एक मेजर इशू निकल के आएगा देर इज गोइंग टू बीशन ऑफ नेशनलिटी ठीक है आपका सेंट्रल बैंक अगर वीक हो जाएगा तो अगर इकॉनमी तो सब कुछ गिर गया कंट्री खत्म है फिर ठीक है आप कोई भी मेजर इकॉनमी देख लो जिसकी इकॉनमी खत्म हो गई मेजर कंट्री देख लो सो so थिंग बद से बत्तर तो ये एक आपका चीफ अगर आप देखो दीज आर दब्जर्वेशन दैट ऑफ कम आउट साइबर वॉरफेयर में एंगेज हो जाएंगे यूक्रेन रशिया की टॉप रैंकिंग क्यों है दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन बॉर्डर पे तो वॉर चल ही रहा है बट देर आर अदर मीन्स ऑफ वॉर एज वेल साइबर वॉरफेयर अगेन इसराइल हैज़ बिन डूइंग लॉड ऑफ थिंग्स तो थिंग्स हैव है ठीक है Uh, आपने इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से पढ़ा है तो यू मस्ट नो द कॉन्टिन्यूस साइबर अटैक्स दैट हैव बीन हैपनिंग फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना इजराइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एविडेंट इनफ देन एक्ट्स ऑफ गॉड जो होते हैं जिसमें इंश्योरेंस कवर्ड होता है आपका वो एक बहुत मेजर इशू है जो एड्रेस नहीं हो पाएगा सो दिस आर दीज आर द रीजन दैट आर एसोसिएटेड विद डिजिटल करेंसी अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ राइट अबाउट इट ठीक है ट्राई राइटिंग आंसर्स अबाउट इट अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है प्लीज मेंशन इट इट इन कमेंट्स आई विल ट्राई टेकिंग अप अप इन नेक्स्ट क्लास ठीक है अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ योर नेक्स्ट टॉपिक इज अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015 ठीक है तो एक तरह से uh, जो सोशल सेक्टर सिक्योरिटी स्कीम थी ये फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बट इट वाज ओपन टू द पीपल फ्रॉम अदर सेक्टर्स एज वेल ठीक है जो इनकम टैक्स के एम्बिट में नहीं आते थे नाउ अटल पेंशन योजना का इन्वेस्टमेंट शुरू ज्वाइन करने की एज थी 18 इयर्स एंड इसकी अपर कैपिंग जो रही है दैट हैज बिन 40 इयर्स ठीक है सो 60 इयर्स तक का है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जब आप 18 साल के हो गए हो तब से एंड जो लास्ट ज्वाइनिंग लिमिट है वो है आपकी 40 साल अगर आप 18 साल की एज में ज्वाइन करते हो तो आप यूल कॉन्ट्रीब्यूट टिल 42 टू ईयर्स आपका मनी अलग रहेगा मंथली पेंशन इतनी आएगी आपको एंड राउंड अबाउट आपका रेट ऑफ रिटर्न इतना है राउंड अबाउट अगर आप 20 साल के हो आप तब ज्वाइन करते हो तो आप कंट्रीब्यूट करोगे 40 साल तक नेक्स्ट 40 इयर्स तक जब तक आप 60 के नहीं हो जाते फिर आपको मंथली 5000 पेंशन आनी शुरू होगी सिमिलरली अगर आप ये कैपिंग देखो चालीस साल के आप हो गए हो आप अगेन कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे आप जब साठ साल के हो जाओगे तब तक इंडिकेटिव जो आपको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा दैट इज वन है अगेन मंथली पेंशन आएगी आपको पांच हजार की एंड इंडिकेटिव रिटर्न जो है नॉमिनी तक को मिलेगा स्पाउस को भी मिलता है दैट इज 8.5 लाख रुपीस ठीक है नाउ गजट नोटिफिकेशन आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या कहा है कि इनकम टैक्स पेयर है दे विल डिसउड टू बी अ पार्ट ऑफ अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना रेगुलेट कौन करता है रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है इट इज इजी ए रेगुलेट करती है अटल पेंशन योजना इट वॉज डेडिकेटेड टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना क्या क्या है नाउ असिस्टेंस थी दिस वॉज स्टार्टेड फॉर द असिस्टेंस ऑफ पुअर पीपल सिक्योरिटी स्कीम थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप अटल पेंशन योजना में पैसा डालेंगे कैसे डालेंगे वो मैंने आपको टेबल दिखा, दिखा दिया थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया हाईलाइट क्या, क्या क्या थी स्कीम की लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पहले टेन यूवर में 2015 में लॉन्च करी थी पेंशन मनी आई आएगी आपकी हज़ार से पाँच हजार रुपये तक

60 इयर्स जब आप 60 साल के हो जाते हो तब आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी इनकेस ऑफ योर डेथ आपका जो स्पाउस है आपके जो बेटर हाफ है उनको ये सारी स्कीम का पैसा पेंशन मिलेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं आई होप अटल पेंशन योजना के बारे में आपको चीजें क्लियर है नाउ डिटेल्स देख लेते हैं क्या है द को कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवेलेबल है फॉर फाइव ईय पांच साल तक गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करेगी एंड फॉर जो कवर्ड नहीं है बाय एनी स्टैट्यूटोरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड इनकम टैक्स जो नहीं पे करते नहीं पर पे करने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिफॉल्टर है नहीं पे करते मतलब जिनकी इनकम टैक्स लाभ उतनी नहीं है कि वो इनकम टैक्स पे करें ठीक है तो उनके लिए ये स्कीम निकाली गई थी रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ टोल्ड यू पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पी एफ आर डी ए है ठीक है ना इट वॉज इम्पलीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री सारी स्टेट सारी यूटीज में एप्लीकेबल है ये एंड जितने भी बैंक्स हैं सब में आप ये खोल सकते हो हु आर नॉट अंडर एनी सोशल स्टेटूटोरी स्कीम ठीक है ना वॉट इट इज गोइंग टू प्रोवाइडेड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड गारंटीड पेंशन इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर सब्सक्राइबर विल रिसीव अ मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड बक्स ठीक है साठ साल तक डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रीब्यूशन आप जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करोगे उसकी भी एक अपर कैपिंग है उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा ठीक है ना सेम पेंशन मिलेगी स्पाउस को डेथ के टाइम पे एंड जो आपका टोटल पेंशन है इसका आपको राउंड अबाउट लमसम मनी भी मिलेगा वंस यू हैव अचीव्ड दैट पर्टिकुलर एज बार ठीक है इसमें काफी सारी डिटेल्स हैं दैट वेन यू विजिट योर बैंक नियर बाई बैंक अगर आप अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवाते हैं अभी तो यूल कम टू नो ठीक है नाउ, बेनिफिट्स क्या है ओल्ड एज में यूल गेट अ रेगुलर पेंशन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा आपका देर इज गोइंग टू बी अस्ड पेंशन सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है कि इट इज फ्लक्चुएटिंग विद इंफ्लेशन ऑल्सो जैसे आपको नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स रिबेट मिलता है सिमिलरली इफ यू इन्वेस्ट इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट इफ यू ओपन एन अकाउंट इन अटल पेंशन योजना तो आपको ये वहां से भी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे ठीक है एलिजिबिलिटी की बात करें एनी सिटीजन हु और हु इज और हैज बीन इनकम टैक्स पेयर ये एलिजिबल नहीं है अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने के ठीक है अगर आपका इनकम का स्लैब पांच लाख से ऊपर है जो स्टैंडर्ड इस साल का रेट अगर मैं वो मान के चलूं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू जॉइन अटल पेंशन योजना ये रूल कब से इफेक्ट में आएगा 1 अक्टूबर 2022 से मनी एक्यूमुलेटेड इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट ठीक है जो आपने पहले से जिन लोगों ने पहले से रजिस्टर कर रखा है उनको उनका पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है कि उनका पैसा चला गया नाउ इनकम टैक्स पेयर की अगर हम बात करें बाई डेफिनेशन इनकम टैक्स पेयर इज समन हु इज लाइए अगेन इनकम टैक्स हु डज नॉट पे इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स डिफॉल्टर है इट हु इज लाइए टू पे इनकम टैक्स अंडर योर आई टी एक्ट ऑफ इज फ्रॉम फ्रॉम टाइम 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 टू टू टाइम का क्या मतलब है हर बजट में जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब होती है जो रिवाइज होती है दैट इज वॉट इट मीनस हेयर ठीक है फ्रॉम अमेंडमेंट उसका ये मतलब है ठीक है जी नाउ आज आप डिस्कस करते हैं आपका आज का फोर्थ और लास्ट टॉपिक विच इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स ठीक है आई होप अटल पेंशन योजना वाला आपको टॉपिक क्लियर है बिकॉज ये न्यूज़ में है अभी एक अक्टूबर से ही चेंजेस आएंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट शायद उस पर आपको बहुत इम्पोर्टेंटली uh, मेंस में एक आंसर मिल जाए ठीक है अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के ठीक है वाई दिस वॉज ए न्यूज दिस वॉज ए न्यूज बिकॉज आर बी आई ने अभी रिसेंटली वॉन करा है दैट द बिग बैंक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जो बहुत स्पीडली बहुत फोर्सफुली अभी हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ मुड़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं दैट कुड एक्चुअली कॉज मोर हार्म गुड इन द लॉन्ग रन ठीक है रिपोर्ट आइए एक बार आ, सारे प्रोज एंड कॉन्स इवेल्युएट करके देख लेते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या

या गवर्नमेंट माइट रिटेन थोड़ा बहुत शेयर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी या वॉट कंडीशन गवर्नमेंट वॉन्ट्स बट मेजोरिटी स्टेक्स गवर्नमेंट के पास नहीं रहते हैं नाउ इट इज बींग डन टू ब्रिंग बिकॉज ये एक नोशन है इट विल ब्रिंग मोर एफिशियंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी टू द कंपनी विच गवर्नमेंट कंपनी का जो आप बेसिक देखो एनी पी एस यू उनका मनी मेकिंग एजेंडा नहीं होता फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली अगर बेसिक आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात करो बी एस एन एल के रेट्स जो होंगे कॉलिंग रेट्स वो कंपेरेटिवली कम्पेरेटिवली एयरटेल से कम होंगे ना बी एस एन एल डज नॉट फोकस ऑन मनी मेकिंग मशीनरी एयरटेल गिव्स यू अ बेटर नेटवर्क ठीक है एयरटेल वोडाफोन एनी सेल्यूलर नेटवर्क आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं माई पॉइंट पी एस यू से अगर आप प्राइवेट एंटिटीज की बात करो सो बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन मनी मेकिंग सो दे डू प्रोवाइड यू विद बेटर सर्विसेज ठीक है मोर वर्क एफिशिएंट होते हैं तो सारा वही लॉजिक है व्हाई दे हैव बिन प्राइवेटाइजिंग बैंक्स नाउ इंडिया स्टार्टेड इंडिया वेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन व्हेन एलपीजी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 नाइनटी वन हमने अपनी इकोनॉमी को खोला था ठीक है ना इकॉनमिक पॉलिसी हमारी तब से चेंज हुई तब से प्राइवेटाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया Now, अगर हम नीड की बात करें वाई प्राइवेटाइजेशन वॉज नीडेड सो देर हाई अमाउंट ऑफ एग्रोवेटेड अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स अमिड पैंडमिक पर्टिकुलरली आपका कोविड वाला एरिया है इवन बिफोर कोविड अगर आप देखो स्ट्रेस्ड एसेट्स की जो बैलेंस शीट है दैट हैज बिन राइजिंग कॉन्टिन्यूसली लेकिन यहाँ पे एनपीए जो है आपका बहुत बढ़ गया था एनपीए का बेसिक मतलब क्या हुआ सी स्ट्रेस एसेट की डेफिनेशन और एनपीए की डेफिनेशन अलग है बाय डेफिनेशन डेज का रेगुलेशन होता है वो आप देखेंगे मेरे को कमेंट्स में मेंशन करके बताएंगे एनपी और स्ट्रेस एसेट में क्या डिफरेंस है बट मैं आपको लेमन टर्म्स में बताऊं। मैंने किसी को उधार दिया उस बंदे ने मेरे को वो पैसा वापस देना था इन अ गिवन लिमिटेड टाइम पीरियड लेकिन वो पैसा मेरे पास वापस नहीं आ रहा है उसने मेरा उधार वापस नहीं करा ना इंटरेस्ट पे कर रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है एंड अल्टीमेटली वो मेरा लॉस हो गया ठीक है सो बैंक्स आर फेसिंग ऐसा ही लॉस ऑन अ लॉर्ड ऑफ फ्रंट्स फ्रॉम अ लॉर्ड ऑफ पीपल तो जो आप टोटल बैलेंस शीट देखो देअर हैव बिन लॉर्ड ऑफ एनपीएस एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स ठीक है स्ट्रेस्ड एसेट्स जो है वो बेसिकली होते हैं विच हैव अ हाई चांस ऑफ टर्निंग इन टू एन पी एस ठीक है नाउ टू स्ट्रेंथन एंड टू स्ट्रेंथन द स्ट्रॉग बैंक एंड टू मिनिमाइज ये वाले नंबर्स प्राइवेटाइजेशन का जो है एजेंडा वो पुश करा जा रहा है बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज वेलफेयर वाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इज मैक्सिम प्रॉफिट ठीक है मोस्टली बैंक आपके एम एन सीज होते हैं देर आर मल्टी नेशनल बैंक्स ठीक है एम एन बीज होते हैं सो so, इनका बेसिक जो आप देखोगे एक एजेंडा होता है मनी मेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्या था आपका जो फिनेंशियल पेनिट्रेशन है ये बेसिक एजेंडा था तो दोनों की वर्किंग स्टाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना लेस इफेक्टिव बैंक्स जो हैं इनको मर्च करके आपस में मर्च करके इनमें बेटर मैनेजमेंट इन्फ्यूज करने की कोशिश करी गई बट दिस हैज़ नॉट बिन वेरी सक्सेसफुल नाउ अ कपल ऑफ यस अगो एस बी आई ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपना uh, एक अलग ब्रांच खोली थी इफ़ यू रिमेंबर महिला बैंक के नाम से खोला गया था उसका हेड ऑफिस वॉज इन मुंबई लेकिन बिकॉज इट वॉज अनसक्सेसफुल उसको दोबारा से एस बी आई में मर्च कर दिया गया सो थिंग्स हैव हैव ट्राइड टिंग वेरियस मेजर्स लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं ना पोलिटिकल इंटरफेरेंस प्राइवेट बैंक्स के केस में उतना नहीं रहता है लेट्स बी रियलिस्टिक रहता है बट उतना नहीं रहता है जितना आ, आपकी गवर्नमेंट बैंक्स केस में रहता है तो एक इसके लिए भी प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है ना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी टू द शेयर होल्डर्स ना हो अगर बैंक्स की कंडीशन होगी तो FDI जो बाहर से कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वो बढ़ेगा इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय नरसिम्हन कमेटी नरसिम्हन कमेटी दो रही हैं दोनों हैव बीन अबाउट बैंकिंग रिफॉर्म्स नरसिम्हन कमेटी वन एंड नरसिम्हन कमेटी टू। नाउ दे प्रपोज्ड इट प्रपोज्ड 33% गवर्नमेंट्स टेक सिमिलरली पीजे नायक कमेटी आई दैट सेट ये बिलो 50% परसेंट रहना चाहिए आरबीआई का जो वर्किंग ग्रुप है वर्किंग ग्रुप कमेटी है उन्होंने भी सिमिलर लाइंस पे इस चीज को पुश करा है so, सो अगर आप देखो, सारी रिपोर्ट्स इसी चीज में फेवर कर रही हैं कि 100% परसेंट जो कंट्रोलिंग एंटिटी है गवर्नमेंट वो अपना कुछ शेयर या तो प्राइवेट बैंक को दे या हंड्रेड प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश करे ना एक मेजर रीजन इसका क्या कहा जा रहा है बेटर यूज़ ऑफ़ प्राइवेट बैंक्स ठीक है बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगी बाय प्राइवेट बैंक सी अगेन टेलीकॉम का एग्जाम्पल बताती हूँ आपको बी है बी का नेटवर्क कितना ख़राब है ठीक है आप कॉल ड्रॉप्स होंगी लैग्स होंगे बहुत इशूज़ आते हैं तो बी का नेटवर्क ही बाकी प्राइवेट एंटिटीज यूज़ करती हैं बट सम हाउ दे आर एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज क्या रीज़न है यही रीज़न है दे यूज़ द टेक्नोलॉजीज़ इन बेटर वे रेपिड रेड टेपिज्म नहीं रहता है वहाँ पे ठीक है डूइंग थिंग्स इज़ कम्पैरिटिवलीजियर हर चीज़ के लिए आपको हाई कमांड से परमिशन की ज़रूरत नहीं है एन नंबर ऑफ रीजनस है गवर्नमेंट जो एंटिटीज हैं उनकी बहुत सारी ना मजबूरियाँ हो जाती हैं बट द पॉइंट इज एंड में जो एंड कस्टमर है उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है सो so उन चीज़ों को हटाने के लिए प्राइवेटाइजेशन से चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं नाउ जो रिपोर्ट आई है जो आर ने कहा है उन्होंने की फाइंडिंग्स उनकी क्या रही है नाउ प्राइवेट सेक्टर ऑल दो

पैरिस अग्रीमेंट की बात हुई आईएनडीसी की बात हुई ठीक है सिमिलरली हमने आ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कंट्रीज के साथ एक स्कीम निकाली थी इंडिया ने इंडिया पोस्ट फॉर इट फ्रांस वॉज द कलाबरेटिंग नेशन उसमें टू में हमने वो स्कीम पुश करी थी क्या है ठीक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई होप आप लोगों को याद होगा नहीं होगा प्लीज ब्रश इट अप इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप देखो वी हैव एबल टू प्रमोट ग्रीन ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन इन कंट्रीज जैसे कि ब्राजील चाइना एसेट्रा एक्सेट्रा यूरोपियन यूनियन में भी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया तो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करो तो दे वर नॉट इंटायरली गाइडेड बाई प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी जो मैंने आपको बताया अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना आपके पब्लिक सेक्टर बैंक करवा पाए हैं उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं करवा पाए ठीक है दे हैव बिन गाइडेड बाय जो आपके पब्लिक सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हैं पी एस नॉर्म्स हैं उनके अंडर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए मजबूरी हो जाता है लोन्स देना बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बाउंड टू दे आर एक्चुअली बेसिकली देयर टू हेल्प आउट पीपल ठीक है दोनों की ऑपरेटिंग जो इन चार्जेस हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है नाउ पीएसबी के लेंडिंग की बात करें तो रिसेंट ईयर्स में आप देखो कि डिस्पाइट डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मनी मेकिंग मशीनरी अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी जो बैलेंस शीट्स देखो तो डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट कोविड उनका भी जो ग्रेट जो बैलेंस शीट है वो उतनी बुरी नहीं है इन द मार्केट दे हैव गुड मार्केट कॉन्फिडेंस ठीक है ले लो देव डन रिमार्केबली वेल नाजुअल की दिस वॉज अडोप्टेड बाई द गवर्नमेंट सो दैट ये पूरा जो वॉइड है एकदम फाइनेंशियल इंक्लूजन का वॉइड ना हो एंड एकदम से गवर्नमेंट पूरे मार्केट से विद्रॉ ना कर ले सो मॉनिटरी पॉलिसी आपकी इतनी इंपैक्ट ना हो बट

जितने आपके इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनके नंबर को ये बारह पे ले आया सिमिलरली और रिफॉर्म्स क्या लिए गए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई जिसमें बेसिक इसका जो आपका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैलेंस शीट थी बैड लोन्स जो थे उसको कम करा जाए उसकी जो वैल्यू है उसको कम करा जाए फ्रॉम बैलेंस शीट ठीक है बैड बैंक्स आई होप यू नो क्या है इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट आपने करा हुआ होगा नहीं करा तो प्लीज सी इट इवन इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आ चुका है सिमिलरली रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट करा गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नैप की बात करें तो दिस वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव चैनल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग नाउ अगेन ये एसेट लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ना गवर्नमेंट कर रही है प्राइवेटाइजेशन पे फोकस वाई दे वॉन्ट टू मिनिमाइज द गवर्नेंस गवर्नमेंट के पास रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं रेलवेज हैं न्यूक्लियर एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो जो ऐसी चीज़ें हैं ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज कोड डू वेल सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग की वहां से अपना हाथ खींचे ताकि आ, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो रिलेटिवली मोर कॉम्पिटेंट है जहां पे कॉम्पिटिशन हो सकता है गवर्नमेंट इज ट्राइंग वहां पे गवर्नेंस कम करके प्राइवेट सेक्टर्स एंटिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए सिमिलरली पब्लिक बैंक्स का कंपेयर करो आप तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है सो गवर्नमेंट चाह रही है कि मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी रहे ताकि एफ इन्वेस्टमेंट अच्छा हो ना स्ट्रेस एसेट की बात करें तो एन जो हैं उनका हम चाह रहे हैं कि जो एनपीए का फिगर है वो कम आए अगेन एसट रीस्ट्रक्चर एसेट रीस्ट्रक्चर कंपनी जो है पूरी वो सिमिलरली मर्जर ऑफ बैंक्स एन नंबर ऑफ़ रिफॉर्म्स इसके लिए लेके आए गए हैं ना प्राइवेटाइजेशन की बात करो तो ये तो हमने डिस्कस करें वाई गवर्नमेंट इज पुशिंग ठीक है आर्ग्यूमेंट्स फॉर ना आर्ग्यूमेंट्स अगेन की बात करें द कॉन्स नाव परफॉर्मेंस कंसर्नस निकल के आते हैं फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी विलास बैंक में देखो क्या हुआ ऑपरेशनल इशूज़ आई बैंक का जो डूबीएस लोन्स हैं रहे ठीक है Uh, इनकी जो सी थी वो काफ़ी टाइम uh, अपस्कॉन्डेड भी रही सिमिलरली अभी येस बैंक दिवालिया हो गया था उसका केसेस प्रटी रिसेंट प्र वेल नोन तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव नॉट बिन लाइक फूल प्रूफ पीछे तो so, थोड़े से कंसर्न इनके भी हैं सिमिलरली गवर्नमेंट बैंक से भी आज तक किसी का पैसा लेके भागे नहीं है ठीक है तो ये थोड़ा एक जो इश्यू ऑफ ट्रस्ट है कि सरकार नहीं जाएगी कहीं दैट हैज टू स्टे ना दिस मूव की अगर आप बात करो दिस विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल इंक्लूज इंक्लूजन ठीक है जितना आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन अब तक हुआ है उसको ये रिड्यूस कर देगा पीपल विल बी अफ्रेड जो गाँव के गरीब लोग हैं इलिटरेट लोग हैं हुट

उसमें एक जो गारंटी देती है ठीक है कोई भी बॉन्ड है आपको एनी गवर्नमेंट बैंक इशू कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक कर रहा है एसबीआई कर रहा है ठीक है बैंक ऑफ बड़ोडा कर रहा है ठीक है ओरिएंटल बैंक कर रहा है ये एनी बैंक जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर इशू कर रहा है उसके पीछे आर की बैकिंग है बट अगर ये मूव हो जाता है अगर हंड्रेड परसेंट प्राइवेटाइज कर देते हो तो ये बैकिंग हट जाएगी जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू निकल के आएगा जिस बंदे ने आज से दस साल पहले आज से दो साल पहले बॉन्ड लिया है अगर आप हंड्रेड परसेंट प्राइवेटाइज कर दोगे उसके पास ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा एंड अगेन मार्केट में सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ठीक है एक इशू है नाउ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएस हो जाएगा अभी तो क्या है गवर्नमेंट बैक्स हैं आप बहुत ज्यादा अपनी शीट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते नंबर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते बट इस केस में कहा जा रहा है हो सकता है एसेट क्वालिटी रिव्यू है जो आर द्वारा वो खत्म कर दिया जाए एंड जो बैंक्स हैं दे माइट कुक देअर बुक्स एंड एनपीए की जो फिगर्स हैं उसको आप मच रिड्यूस्ड रेट्स दिखाएं सिर्फ दिखाएं सो इवन इफ अ बैंक इज रनिंग अंडर लॉस आपको ये शायद दिख जाए कि द बैंक इज रनिंग अंडर प्रॉफिट नाउ सक्सेसफुल डिसइनवेस्टमेंट के कंसर्न्स हैं डिसन्वेस्टमेंट आई होप आपको ये टॉपिक पता है नहीं पता प्लीज़ ब्रश इट अप नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गोल है वो डिफीट हो जाएगा ठीक है जो प्रायोरिटी लेंडिंग टारगेट्स हैं आपके वो मीट uh, नहीं हो पाएंगे नाउ नॉन शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंटल जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वायलेशन ऑफ डीपीएसपी रहेगा, Directive principles of state policy रहेगा है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रहेगा विच कम्स अंडर आर्टिकल 38 सिमिलरली जो प्राइवेटाइजेशन है दिस इज गोइंग टू श्रिंक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द कैटेगरी पीपल वेट दर इट इज एस सी एस टी ओ बी सी ठीक है सिंस प्राइवेट सेक्टर में आ, कोई रिजर्वेशन नहीं रहता है ठीक है सो दिस टॉपिक जो है आपका प्राइवेटाइजेशन का कंक्लूज योर टूडेज सेशन ऑफ इकोनमी आई होप जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं वो सारे आपको क्लियर है इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैंशन दैम इन कॉमेंट्स आई ट्राई टेकिंग दैम आप इन नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए स्टेट यून कीप लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच बै